आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज गोरखपुर सदर सीट सभा से नामांकन दाखिल किया। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि मैंने पहले ही कहा था, योगी उत्तर प्रदेश की अयोध्या मथुरा गोरखपुर जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे, मैं भी उस सीट से योगी के विरोध में चुनाव लड़ूंगा। नामांकन कक्ष के बाहर निकलते ही चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि योगी सरकार में नौजवान, किसान, महिलाएं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो चाहते हैं वो बदलाव होती नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, संकल्प पत्र किनको जारी करने पड़ते हैं? अगर आपने काम किया होता तो आज संकल्प पत्र जारी करने की जरूरत पड़ती? हमारा संकल्प पत्र तो भारत का संविधान है। ये संविधान जिस दिन ये सुरक्षित रहेगा और जिस दिन पूर्ण से लागू होगा, तब देश की खुशहाली आएगी, देश की खुशहाली आएगी। आपको डर लग रहा था कि पर्चा खारिज हो? आशंका, डरते तो मुख्यमंत्री से भी नहीं है, आशंका कि वो हमारा पर्चा खारिज ना करा दे। क्योंकि हमने अपील की थी ना कि यहाँ के जो SSP है, क्या आप लोग नहीं जानते कि वो BJP के वर्तमान सिटिंग MP के दामाद हैं? क्या मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनका रोल आप लोगों ने नहीं देखा कि वो परिवार को डरा रहे थे? क्या हाथरस में प्रशासन का रोल आपने नहीं देखा? तो अपने चहितों को यहाँ बिठाया गया, उनको हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने एप्लीकेशन की थी। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं थे, उनके नाम पर चुनाव ही लड़ा गया। चुनाव केशव प्रसाद मौर्य, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं हमारे परिवार के व्यक्ति, उनके नाम पर लड़ा गया था, जबकि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री को बना दिया गया। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे 5 साल भुगता है और आज जनता तैयार। अगर BJP ने विकास किया तो ये जो सरकारी मशीनरी बेची है उस पर वोट भी नहीं मांगती BJP। विधानसभा चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर समस्त प्रत्याशियों की ओर से लगातार जनसंपर्क भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 56 से पार्षद नूर आलम अज्जू कुरैशी के नेतृत्व में आज आर्यनगर विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल की तरफ से शहर में बासमंडी, बेगनगंज क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया और जनता से वोट की अपील भी की गई। वही जनसंपर्क को देखते हुए जनता की ओर से कहा गया कि ऐसे जनसंपर्क देखकर अब लगता है कांग्रेस जिंदा हो गई है। अलीगढ़ में RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 71वें विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी के समर्थन में उतरे। RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने लाल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया और जमकर BJP की प्रदेश सरकार पर हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा, मुझे विश्वास है, उम्मीद है, जो हमने गठबंधन बनाया है उससे प्रदेश का विकास होगा। ममता बनर्जी के कटाक्ष पर जयंत चौधरी ने कहा, इस समय जघन्य अपराध हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, बुलंदशहर में भी वही चीज़ हुई। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे अपराधों की स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। सही समय पे दंड मिले, जो हमारा पुलिस तंत्र हो संवेदनशील हो, वो प्रशिक्षित हो, वो मजबूत हो, हमारा प्रयास रहेगा। भाजपा लगातार जो हिंदू मुस्लिम की वोटिंग कर रही है, कौन मान रहा है अब हिंदू मुस्लिम? लोग आगे बढ़ गए उन बातों, वो तो जनता तय करेगी। बरेली सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष चौहान ने शहर के विभिन्न मोहल्लों का दौरा किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कई ब्राह्मण संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि BJP ने हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, अब की बार जिले के सभी ब्राह्मण BJP को सबक सिखाएंगे। बैठक में उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने कांग्रेस प्रत्याशी मनीष सिंह चौहान को समर्थन की घोषणा की। रायबली देखिए, गढ़ पूरा मतलब कांग्रेस की तरफ शुरू से रहा है, सब लोग सब कांग्रेसी थे, कांग्रेस से हम लोग बहुत मतलब ये तो पृष्ठभूमि है हम लोग की, तो कहीं रायबली से बाहर तो है नहीं, वो भी हमारे साथी हैं और कांग्रेसी, तो और कांग्रेस भी शुरू से रायबली के नाम से ही और कांग्रेस के नाम से ही ये दोनों लगा दे तभी फेमस है। मुद्दे देखिए, स्थानीय मुद्दे बहुत हैं, बहुत हैं, गिनाए लगेंगे तो मतलब कम नहीं। मैंने इतनी सिर्फ देखा, मैं एज ए डॉक्टर रहते हुए भी हम लोग बहुत चीज़ें इसको सॉल्व करना चाहते थे जो नहीं हो पाती थी। सीधे सीधे मेरा चुनाव और मैं और जनता लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही, जनता प्रतिनिधि बन रही है, वो लड़ रही है, मैं सिर्फ सेवक हूँ।
तो वहीं रायबरेली में एक ही सीट से समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने भी समाजवादी पार्टी के बैनर पर आज सलोन विधानसभा 181 से पर्चा भरा। एक दिन पहले सपा के ही बैनर पर सुरेश निर्मल भी सलोनी विधानसभा से नामांकन पत्र भर चुके। जगदीश प्रसाद ने कहा कि 25 जनवरी को मेरा सपा के लिस्ट में नाम आया था, उसके बाद आज मैंने नामांकन पत्र भर दिया। उन्होंने सपा से ही पहले नामांकन भरने वाले सुरेश निर्मल के बारे में किसी प्रकार की जानकारी न होने की बात कही है। सलोन में दो तीन चीज़ों की कमी है जबरदस्त। एक तो वहाँ पर स्कूल बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए तो अच्छा स्कूल है ही नहीं। जहाँ पर स्वास्थ्य की बात है, मैंने हेल्थ सेंटर भी देखा जा करके, और इवन हेल्थ सेक्रेटरी से, यहाँ का आपका जो हेल्थ सेक्रेटरी से भी मिला इलेक्शन में होने के पहले, मैं सोचा नहीं था। तो वहाँ पर सुविधाएँ कम हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, गायनकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, पीडियाट्रिशियन होनी चाहिए राउंड द क्लॉक, उतना बड़ा विधान मतलब सदर है, तो ये व्यवस्था कम है। और बच्चों की स्कूल अच्छी नहीं है वहाँ पर। दूसरी बात है कि कुछ गांव में रोड बहुत दूर दूर में गांव है, कुछ गांव ऐसा गए जहाँ पर अगर लोग बीमार पड़ जाए और उसको डिलीवरी होना हो और अस्पताल ले जाना हो तो लोगों को इवन मोटरसाइकिल चलाना भी डिफिकल्ट होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कटियार ने कहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, मुद्दे वही रहने वाले हैं जो पुराने थे, मुद्दे बार बार नहीं बदले जाते हैं। किसानों के हित के लिए काम हो रहा है, श्रमिकों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं। सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर कहा कि योगी आदित्यनाथ का पुराना क्षेत्र गोरखपुर है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और मुद्दे तो वही रहने वाले हैं जो पुराने मुद्दे हैं, क्योंकि बार बार मुद्दा नहीं बदला जाता है। किसानों के हित के लिए काम हो रहा है, श्रमिकों के लिए अच्छा काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा, सर्वहारा जितने हैं उन सब की चिंता की जा रही है। और मैं समझता हूँ इस सरकार में जितना अच्छा काम हुआ है शायद ही किसी सरकार में काम अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छा काम हुआ है। मिर्जापुर के शहर कोतवाली दुर्गा देवी इलाके में सपा के व्यापारी नेता सत्येंद्र को पड़ोसी भाजपा सभासद के भाइयों ने सत्ता का रौब दिखाते हुए पीट दिया। इतना ही नहीं, बनारसी ताला के करीब 6 इंच लंबे चाबी से सिर पर प्रहार किया। इस हमले में व्यापारी नेता घायल हो गए। इसके बाद व्यापारी नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया। इसी के बाद पीड़ित ने बताया कि उस पर दबाव देकर समझौता करने को कहा गया। पूरे मामले में रोष जताते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई। विवाद सही है कि मेरा घर था और बगल में एक कीर्तन लाल हैं जिसका लड़का सभासद है कृष्णमोहन, वो तो है नहीं इसमें, उसके दो भाई और हैं संजय कुमार और श्याम कुमार, ये दोनों छत से हम इनसे बोले कि जो है आप लोग ये काहे मेरा दीवार खोज रहे हो, तो कहे खोदेंगे। हमका भैया काहे खोदेंगे, कहे आओ नीचे तुम्हें बताई। हम नीचे गए तो हमको जो है सीसी कैमरा में है देख लीजिए, हमको जो है इन दोनों ने मिल के मारा। 6 इंची का चाबी था बनारसी ताले का, उसको ले आए हमारे माथ है यहाँ मार दिए, हम बेहोश होकर गिर गए जमीन में। ये कोतवाली शहर थाना अंतर्गत ये जो है दो पक्षों में एक मकान की दीवार को लेकर विवाद था और दोनों पक्ष आपस में इस विवाद को लेकर कुछ विवाद और मारपीट कर लिए थे, जिस पर दोनों पक्ष थाने पे आए थे और दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह समझौता भी हो गया। फिर भी पुलिस जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो किया जा रहा है इसमें, और कोई इस प्रकार का कोई राजनीतिक कोई विवाद नहीं है। यह केवल एक जो सामान्य विवाद होता है मकान को लेकर के, ये उसी प्रकार का विवाद है जिसमें दोनों पक्ष दीवार को लेकर के विवाद कर लिए थे और दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो लीगल कार्रवाई है वो जैसा सही होगा नियमानुसार किया जा रहा है।
रायबरेली में कॉलेज प्रबंधक से रंगदारी मांगने वाले स्कूल के पूर्व छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में जानकारी मिली है कि फिल्म शूटर देखकर बनाई गई फिरौती की योजना 5 फरवरी को न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक से मोबाइल के माध्यम से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मिल एरिया पुलिस व एसओजी की टीम के संयुक्त प्रयास से दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों के पास से मोबाइल फोन, तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसकी सूचना उनके द्वारा तत्काल मलेरिया थाने में दी गई और इस टीम में पूरी एक टीम गठित की गई सीओसीटी के नेतृत्व में, जिसमें सीओसीटी और इंस्पेक्टर मलेरिया और हमारे एसओजी प्रभारी लगे और 2-3 दिन के प्रयास के बाद इसका खुलासा हुआ और इसमें जो इसका मास्टरमाइंड एक अमरेन सिंह नाम का लड़का आया जो इसी के स्कूल का छात्र था और उसके पिताजी भी वहाँ काम भी करते थे, जिसकी वजह से इसको जानकारी थी। ये इस लड़का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इसने कर रखा है, लेकिन इसकी संगत बिगड़ गई थी और इसने पूछताछ पर ये बताया कि जो है ये उसने शूटर फिल्म कोई देखी थी जिसमें इसका तरीका अपहरण का बताया गया था, उसी से जो है इसने ये तरीका ईजाद किया और अपना जो इसका ममेरा भाई है एक अमरेन सिंह जो कि अमेठी का रहने वाला है उसके साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद युवक का शव नहर में फेंक कर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं जब ग्रामीण जंगल की तरफ गए तो युवक के शव उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच के आधार पर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। एक लड़की ने फ़ोन किया, उसने पूरी मुझे जानकारी दी, कह रही थी कि पुल के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और पता नहीं क्या लहास पड़ी है, आके भला देखो आके कौन है। जब हम गए हैं तो मालूम चला कि मामा जी। क्या नाम है, क्या नाम है जिनकी हत्या कर दी गई है? शिवशरण सिंह यादव। कौन है आपके? वो मेरे मामा जी हैं। कैसे हत्या हुई, क्या किसी धारदार हथियार से या किस चीज़ से? नहीं, गोली मारी गई उनके यहाँ सीने में, गोली मारी गई, पीछे से निकल आई है। किन पर शंका है आप लोगों को, कौन ऐसा कर सकता है? अब उन्हीं गांव के लोगों पर कुछ शंकाएं हैं। आज थाना थरियाव क्षेत्र के तरहा गांव में शिवशरण यादव, जिनकी उम्र 42 साल के आसपास है, तालाब के किनारे उनकी डेड बॉडी मिली है। ये ग्राम काउंटर थाना असोथर के रहने वाले हैं, जो घटनास्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें एक व्यक्ति को नामित किया गया है, उसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और प्रथम डिस्चार्ज जांच में अब तक ये पाया गया है कि आसनाई का मामला है। इसमें जितने लोग भी शामिल होंगे उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में सीसामऊ निशांक शर्मा के निर्देश में आदर्श आचार संहिता का पालन करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसी कड़ी में थाना सीसामऊ की टीम के जरीब चौकी चौराहे पर चेकिंग के दौरान सफलता हासिल की है। चेकिंग के दौरान 5 व्यक्तियों के पास से 11,04,800 बरामद हुए और सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि विदित है कि आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए निरंतर थाने की फोर्स के द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज जरीब चौकी पर, जो थाना सीसामऊ के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 5 अलग अलग व्यक्तियों से करीब 11 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई है। जैसे ही ये राशि बरामद हुई है, तत्काल FST को सूचना दी गई है, उनके द्वारा जाँच कर इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। यूपी में चुनाव की वजह से नेताओं के बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं। मिर्जापुर नगर विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान बीजेपी विधायक व प्रत्याशी रत्नाकर मिश्र ने कांग्रेसी को पाकिस्तानी बोला और कहा कि इस समय यहां धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। कांग्रेसी नेता हमेशा पाकिस्तान और चाइना की बात ही बोलते हैं, हम भारत के और भारत माता की जय बोलते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रत्याशी रत्नाकर मिश्र ने जीतने पर विकास का वादा करते हुए विकास के क्षेत्र का और विकास करवाया जाएगा। भाई वहां कोई नहीं है,
कि एक तरह से धर्म अधर्म का लड़ाई चल गया है। उनके जो नेता है हमेशा पाकिस्तान चाइना का ही बात करते हैं, भारत देश का वो लोग कभी बात करते ही नहीं, तो लड़ाई कहाँ, हम तो भारत के हैं, भारत वाला अगर कोई अगर होता तो उसमें सोचा जाता। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेसी जो है वो पाकिस्तानी है, जो उनका अगर साथ देगा तो पाकिस्तानी बोले ही जाएंगे, जो भारत देश का भारत माता को जयकारा कहेगा तो भारत माता बोला ही जाएगा। तो वहीं बस्ती के हरैया विधानसभा में 6 गांव में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने बकायदा गांव के बाहर मतदान बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता किसी भी नेता गांव में न घुसने पाए। ग्रामीणों बैनर पर अवैध बालू खनन को रोक की मांग की है। उनका कहना है कि बालू खनन से उनके गाँव पर बाढ़ का खतरा है, अगर बालू की खुदाई नहीं बंद की गई तो उनका गाँव बाढ़ की पानी में डूब जाएगा। गाँव में किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। सब जगह सारे अधिकारियों के पास है, शासन प्रशासन भी आए, उल्टा हम लोगों को ही धमकाया गया कि अभी तुम लोग को उठा के जेल में डाल देंगे, ला दो इनको, मुकदमा डाल दो इन लोगों को, ये लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा एक्ट लगाओ, ऐसा ऐसा बोल के धमकाया गया था हम लोगों को। हमारी यही अवैध बालू खनन का है जो गाँव से बिल्कुल सटा हुआ है, जो नाजायज तरीके से खनन किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी कृषि योग्य जमीनें, सबका घर, पूरे ग्रामीणों का घर कट के नदी में विलीन हो जाने की पूरी संभावना है, और उसकी वजह से सब लोग सड़क पर आ जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। शिकायत सब जगह पहुंची है, निचले 0 से लेकर टॉप तक DM साहब तक भी शिकायत गई है, महोदय तक भी गई है, लेकिन वहाँ तक से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। हम लोग करें तो क्या करें, तो वो हम लोग इसलिए मतदान बहिष्कार करें, अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो हम लोग वर्तमान विधायक का सहयोग आज के 2 महीने पहले ही उनको जानकारी दी गई थी, लेकिन एक बार आए थे विधायक जी, उसके बाद अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। वो आए थे आचार संहिता लगने के बाद, जबकि हम लोगों ने 12 या 13 दिसंबर को ही उनको संज्ञान दे दिया था कि ये अवैध खनन हो रहा है, इसकी रुकवाइए। बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में विधानसभा चुनाव में उपयोग करने के लिए तस्कर करके लाए गए 15 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब को बुलंदशहर पुलिस ने बरामद किया है। छतारी पुलिस ने एक बड़े कंटेनर में 210 अंग्रेजी शराब की पेटियों को बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला है कि चुनाव के दृष्टिगत जगह जगह पर चेकिंग चल रही है, इसी चेकिंग के तहत हमारी SOG की टीम और छतारी पुलिस ने पहासू के आसपास वहाँ चेकिंग के दौरान ये पाया कि एक कंटर गाड़ी है जिसपे ऊपर से स्क्रैप लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चेक किया गया तो पता चला कि उसमें अंग्रेजी शराब लदी हुई है जो 210 पेटी शराब है, 15 लाख रुपये कीमत की शराब है। 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं, एक पवन और एक नवीन, दोनों ही हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लोग आसपास के जिलों में इसका इस्तेमाल करते, जिनसे इनका टाई अप रहा होगा उनको ये डिलीवर करते हैं, लेकिन बीच में ही पकड़े गए, अपने अभियान में मिशन में कामयाब नहीं हुए, गिरफ्तार हो गए, मुलजिम बन गए। मामला फैजाबाद रोड हवेली का है, जहां कालिका हवेली रेस्टोरेंट में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई है। आपको बता दें दोनों गुट एक दूसरे पर डंडे से हमला कर रहे थे, जिसमें दोनों गुटों के लोग घायल हुए। यह पूरा मामला थाना कैंट क्षेत्र का है। तो ये रहे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।